देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स हमको आई ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में. मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, यूक्रेन में, तो मिडिल ईस्ट से ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल हो रहा था अरेंजमेंट करना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ड्राइवर्स रेडी नहीं हो रहे थे ले जाने के लिए, क्योंकि कोई भी अपनी फैमिलीज को छोड़ के जाना नहीं चाह रहा था. और ट्रेन्स वगैरह जो भी थी वो पहले लोकल लाइट को प्रोवाइड की जा रही थी स्पेशली फॉर यूक्रेनियंस, क्योंकि हम लोग के लिए भी नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल घड़ी जा रही थी. जैसे तैसे करके हम लोगों को हमने एक अरेंजमेंट किया. 3 दिन बाद हमारी बस अरेंज हुई, 28 तारीख को मॉर्निंग को हम लोग वहाँ से रवाना हुए बॉर्डर के लिए. फिर बॉर्डर में हम उज़ोग्रात पहुँचे, फिर उज़ोग्रात से जुहानी हंगरी का बॉर्डर, वहाँ से हमने बस का सफ़र किया लगभग 10 मिनट. फिर बस ट्रेन से, फिर हम ट्रेन से गए जुहानी, जुहानी से फिर हमें बूडापेस्ट तक ले गया गया. इंडियन एम्बेसी द्वारा बस अरेंज किया गया था, तो वहाँ से लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करते तक हम बूडापेस्ट पहुँचे. बूडापेस्ट में हम लोग लगभग 6 आवर हम लोगों ने वेट किया. फिर आफ्टर 6 आवर वी गॉट अ फ्लाइट टू दिल्ली. फिर दिल्ली में लगभग कल 2 बजे, कल सुबह मॉर्निंग में दिल्ली पहुंच गई. उसके बाद फिर 2 बजे लगभग मुझे रागपुर की फ़्लाइट मिली वहाँ से, रिटी से. वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. लकीली मेरी सिटी में, मैं जिस दिन निकली उसी रात को अटैक हुआ, लेकिन जो बाकी सिटीज़ है, कीव, खारकिव, ओडेसा, चेर्नोविल, लुहानस्क, ये सारी सिटीज़ में बहुत बुरा हाल है. कंटिन्यूसली अटैक जा रही है वहाँ पे. स्पेशली फॉर कीव स्टूडेंट देखा जाए तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स अभी बंकर्स में हैं. और खारकिव का तो और बुरा हाल है, वहाँ पे भी लगभग 500-600 बच्चे बंकर में रह रहे हैं. तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो उनके लिए भी वही है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चे बॉर्डर तक जाएंगे तो जाए कैसे. सुमी का भी अभी रिसेंटली सुमी में अटैक हुआ, वहाँ पे भी लगभग बहुत सारे बच्चे हैं स्टक्ड हैं. तो वहाँ के बच्चों के लिए भी बॉर्डर तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है. सबको ऐसा है कि सेल्फ अरेंजमेंट करना है, एम्बेसी द्वारा वहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हम मिडिल में रहते हैं तो मिडिल में एम्बेसी पहुँच नहीं सकती. सारे अरेंजमेंट्स बॉर्डर्स के साइड से थे. किस तरह का स्ट्रगल किया आपने, किस तरह से फिर यहाँ पहुँचे? देखिए, हम लोग अपने अपार्टमेंट्स ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे. एक्चुअली क्या हुआ था, 27 नाइट को मेरी सिटी में भी अलार्म, रेड अलार्म सायरन बजा. उसके बाद हमें भी लगभग 2-3 घंटे बंकर्स में रहना पड़ा चीज़ें नॉर्मलाइज होते तक. उसके बाद हम वहाँ से वापस निकले और सुबह 5 बजे 28 तारीख को हम लोग बॉर्डर के लिए रवाना हुए, हगरी बॉर्डर के लिए. भारत सरकार की कितनी मदद हुई? देखिए, बॉर्डर से भारत सरकार की मदद स्टार्ट हुई. लाइक फॉर इंडियन एम्बेसी द्वारा बस हुई फ्रॉम जुहानी टू बूडापेस्ट, और फिर बूडापेस्ट से फिर फ्लाइट हमें मिल गई. तो भारत सरकार का जो सपोर्ट था वो बॉर्डर से था, ना कि हमारी सिटी से, क्योंकि वो लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे थे हमारी सिटी से, ना वो कोई अरेंजमेंट प्रोवाइड कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था. और उनका स्टेटमेंट भी ये था कि अभी जो जहाँ है वही रहे. लेकिन एक दिन बाद फिर उन्होंने अरेंजमेंट स्टेटमेंट जारी किया कि अब आपको इवैक्यूएट होना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल. तो फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो लकीली वी गॉट द बस, जो कि जिसका बस ड्राइवर जो है वो रेडी हो गया. तो हमें पैदल चलना नहीं पड़ा, हम बस डायरेक्टली बस से हम बॉर्डर तक पहुंच गए. इंडिया के कैसा लगता है और क्या कहना चाहिए? इंडिया के मैं काफ़ी सेफ फील कर रही हूँ, पर मेरे काफ़ी दोस्त लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो मैं काफ़ी बुरा भी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल वहीं बिताए हैं, मैं वहीं पढ़ रही हूँ. तो काफ़ी बुरा लग रहा है कार्किव और कीव के बच्चों के लिए, स्पेशली दैट बॉय हु डाइड इन शॉर्ट इन शेलिंग ऑफ रशियंस. तो उसके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी बहुत बुरा लग रहा है. मेरी बच्ची भारत लौट गई, मेरे को तो बहुत खुशी है। मैं चाह रही हूँ कि यूक्रेन में जितने बच्चे फंसे हैं मेरी बच्ची के साथ वो भी जल्दी पहुँच जाए, से मेरे घर में जैसे खुशी का माहौल, हर घर में खुशी का माहौल हो, तब मेरे को खुशी महसूस होगी। ये सभी के लिए ज़रूरी है कि मैं सेल्फी नहीं हो सकती कि मेरी बच्ची आ गई तो मैं सेफ होगी, बच्ची खुश हो, मैं ये नहीं चाह रही। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएँ, बस मेरी यही भारत सरकार से है। आपसे मुस्कान से लगातार बात हो रही थी, वहाँ पर जिस तरह से फंसे थे, आप किस तरह से उन्हें हिम्मत दे रहे थे? अब हिम्मत तो ऐसा था कि बस हिम्मत दे थे, वो चल रही थी बातें कि मैं पूछे जा रही थी बेटा वहाँ कैसा क्या चल रहा है, मैं न्यूज़ में देख रही हूँ सही में ऐसा है क्या। मैं मैच कर रही थी कि वहाँ रियलिटी ये है कि न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही बता रहा, कि अपन तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं थे ना, प्रैक्टिकल बच्ची थी, बस यही पूछे जा रही थी। मम्मी बोले सब कुछ ठीक है, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा था। मेरा ये था कि जल्दी जल्दी बच्चे निकलो तुम वहाँ से, और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो निकलने में दिक्कत होगी करके।
मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।